हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परम दुःखिता मारीचं कश्यपं नाम भर्तारमिदमब्रवीत् हतपुत्रास्मि भगवन् स्तव पुत्रैर्महात्मभिः शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्रं दीर्घप तपोर्जितम् साहम तपश्चरिष्या गर्भं मे धातुमर्हसी ईश्वरं शक्रहंतारं त्वमनुज्ञातुमर्हसी तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजादितिं परमदुःखितां द्रं ते शुचिभवतने जनयिष्यसी पुत्र पुत्रं त्वं मावे पूर्णे वर्ष सहस्रे तो शुचि भविष्य पुत्रम त्रैलोक्य हता जनयिष्यसि जनयिष्यसी मुक्त महातेज मालभ्य ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययौ गते तस्मिन्नरः श्रेष्ठदिति परमहर्षिता कुशप्लव सपस्ते सुदारुण तपस्त कुरचरिया चकार सहस्राक्षे नरश्रेष्ठ परया गुण संपदा अग्नि कुशात कालमूल तथा सहस्राक्षो सहस्राक्षति यदपि गात्रहन श्रपन यन स्था शक्रसर्व कालेषु दितिं परचचार पूर्णे वर्ष सहस्रे सा रघुनंदन दिति परम संहृष्टा सहस्राक्ष तपश्चरन्त्यावशा दश वीर्यवतांबर अवशिष्टानि भद्रंते भ्रातरम द्रक्ष्यसे ततः यमहं त्वत्कृते पुत्र तमाधास्ये जो जयोत्सुकं त्रैलोक्य पुत्र सह मोक्ष्यसि याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रातव महात्मना वरो वर्ष सहस्रांते ममदं ममदत्तसुतम प्रति इत्युक्त्वा प्राप्ते मध्यम दिनेश्वरे निद्रया देवी पादौ कृत्वाथ शीशतः दृष्ट्वा तामशुचिं शक्र पादयो शिरस्थाने कृतो पादौ जहास च मुमोद च प्रविवेश पुरन्दरः गर्भं च सप्त धाराम चिच्छेदपरमात्मवान् रामो वज्रेण शतपर्वण रुद सुस्व राम तथोदिबुध्यत मारुदो मरुदश्चे गर्भं शक्रो अभ्यभाषत बिभेद च महातेजंत वासव न हंत न मातुर्वचन ततशक्रो प्रांजलि वज्र सहितो दिधी शक्रो अभ्यभाषत देवी सुप्तासी पादूर्धज तदंतरमहम लक्रहंता हे सप्तदा देवी तन्मे ठुमर्हसी इत्याशे श्रीमद् रामायणे बाल्मीकि ये आदि का ये बाल का